नैटौर में गांव सलारपुर स्थित इमामबाड़े के पीछे कटी हुई बच्चियां मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस को सूचना देने वाले युवक ने औरों को फंसाने के लिए ही बच्चिया की गर्दन काटकर प्लॉट में डाल दी थी। पुलिस ने आज आरोपी का चालान कर दिया है। एक सप्ताह पूर्व रात्रि करीब 2 बजे एक युवक ने पुलिस को फोन कर गांव सलारपुर में इमामबाड़े के पीछे स्थित शान आलम पुत्र इकरार हुसैन के प्लॉट में एक कटी हुई बच्चिया पड़ी होने की सूचना दी थी। पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चिया को कब्जे में लेकर उसे मिट्टी में दबवा दिया था। पुलिस ने प्लॉट स्वामी शान आलम व अन्य 2 के घर छापा मारा तो वह सब सोते हुए मिले। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। मामले में सीओ धामपुर महावीर सिंह रजावत ने गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में दरोगा रामचरण की ओर से 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध गौवध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिजनौर SP ऑफिस के सामने से सूचना देने वाले आरोपी गांव सलारपुर निवासी कलवा अब्बास पुत्र मोहसिन को दबोच लिया और थाने ले आई। इस बीच उसकी बहन वहां पर हंगामा करती रही। कोतवाल जीत सिंह ने बताया कि गांव में रंजिश के चलते गांव के 3 युवकों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत खुद ही बच्चिया की गर्दन काटकर दूसरे के प्लॉट में डालकर पुलिस को सूचना दी थी। आज संबंधित धाराओं में आरोपी का चालान कर दिया गया है। क्या घटना हुई है? तो शुरू में वो हुई जब से लड़ाई शुरू हुई कि ये बच्चा कहाँ का है। मेरा भाई गाय का बच्चा, गाय का, गाय मतलब गौ माता, तो वो काट रहे थे। मेरा भाई गया ट्यूबवेल चलाने, अब जब इसने कंकन की आवाज़ सुनी तो मेरे भाई ने ऐसे करके देखा टॉर्च मार के क्या हो रहा है। जब देखा तो बारी गए थे, इनका हाथों में छुरे चाकू लेके और भाग लिए मेरे भाई के पीछे। अब हमारी तरफ देखो, मेरे भाई के पास मोबाइल था और मोबाइल होने के बाद भाई ने कहा तो पुलिस को फोन कर दिया। हेलो, ऐसा ऐसा बात है, गाँव माता की माता कर, पुलिस आती है तुरंत, इन्हें उठा के ले गई। इन्होंने क्या काम करा कि अब तो कुछ ना कुछ होगा, ये सो गए है अपने घर जाके। अपने घर जाके सोने के बाद पुलिस आ गई, इन्हें उठा के ले गई। क्या अब हम कुछ नहीं, हथियार इन्होंने सब दिखा चुके अपने। मैंने कहाँ कहाँ रख दिए होंगे हम नहीं जानते। अब जब दिखा चुके तो इन्हें पुलिस लेकर गई उठा के। 2 दिन के बाद मामला रफ दफ कर दिया गया। आज क्या हुआ? थाना नेटौर में अब हमारे कप्तान जी के पास, जब हमारी कुछ नहीं चली थाने में, ललित कुमार ने कुछ नहीं चलने की, उन्होंने पैसे ले देकर जैसे भी करा रफे दफे मामला कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कप्तान साहब के ये तीनों ने बहुत जोर लगाए कि फैसला करें, फैसला करें। हम भाई हमारी गलती नहीं, हमने काटी नहीं, हम फैसला क्यों करें। हम बोले हम आ गए कप्तान साहब के पास, एक एप्लीकेशन लगी हुई है हमारी चाहिए। अब आते हैं, आने के बाद भाई खड़ा था मेरा, बाइक कपड़े पहनने में बहुत अच्छी बात है तेरा, मतलब ऐसी बात नहीं है। अब इन्होंने क्या काम करा, उसका मोबाइल छीनना शुरू कर दिया। भाई का फ़ोन गया मेरे पास, गए न ऐसे बात, मेरे फ़ोन में एकदम गर्मी आ गई। इन्होंने तो मोबाइल छीनना है, इतनी हद है। गाँव एक तरफा, ये बिरादरी एक तरफा, एक घर हमारा सिर्फ, सारा गाँव एक तरफा हो गया। तो ये 3 गाड़ियाँ लाए, हमें पता लग चुका था कि वहाँ पहुँची, तो हम किसी भी जरिए वहाँ पहुँचे। पता चल गया कप्तान साहब से क्या शिकायत करना है? कप्तान साहब से शिकायत ये की कैसे थे गाय माता कटी हमारी, क्यों नहीं चल रही ना गाँव थाना नेटवर में। ललित कुमार गया और मेरी चूड़ी मुड़ी तोड़ते हुए मुझे बाहर खींच के ले आया, बाहर खींच के ले आया, बेइज्जती करी मेरी। तो आप गाय काटने वालों को सजा दिलाना चाहते थे? ललित ने क्या किया पुलिस ने? ललित ने कुछ नहीं किया, ले गए के मामला रफे दफे कर दिया। आपकी हो गई कोई मुलाकात जी? कप्तान साहब से हुई थी मेरी मुलाकात। उन्होंने ये कहा सीओ जांच करेगा, बहुत 4-5 दिन होगा सीओ तक ही नहीं आया। धामपुर का सीओ जांच करेगा, बहुत 4-5 दिन होगा सीओ। आज आपके ऊपर हमला हुआ है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर। आज क्या करना है आप लोग? आज
आज हम कप्तान साहब के पास आए थे जबल से। मुलाकात हुई या नहीं हुई? अभी नहीं हो पाई, वो तो पहले ही आ गए, किसी ने बता दिया कि वहाँ गए। होगा कोई थाना में, या तो सिपाही हो या थानेदार हो, मैं इस बात को नहीं जानती, मगर सूरत पहचान सकती हूँ। यहाँ पर आई मुझे छेड़ने के बावजूद मेरे भाई ने कहा क्यों छेड़ रहा है उसको, उन्होंने हाथ तपाई की, मेरे भाई ने भी हाथ तपाई की, बताओ चूड़ी थोड़े टाइम लगती है, जब देख छेड़ रहे थे मुझे कैसे छेड़वा लेता बहन को, सगी बहन को। आप पुलिस जो ले गई है वो आपके भाई था जी, छेड़ना छोड़ लाए थे ना मुझे, इसलिए लेकर गई। उन्होंने पुलिस वालों ने आकर तो बाद में देखा क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं ही बता रही हूँ आपको। पुलिस वाले बाद में पहुँचे, जब काम हो गया वे रैपट मारने लगे भाई के, भाई नहीं मारे पलट के, तो झूठ नहीं बोलूँगी मैं।